दिवाली के बाद हर साल पूरे शहर में जहरीली हवा की एक चादर सी बिछी जाती है। हवा में जहरीले तत्वों की मौजूदगी हो जाती है। ऐसी हवा में सांस लेना खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। इस हवा को सांस के जरिए अंदर लेना एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। हम अक्सर वायु प्रदूषण के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर सड़क पर आते हैं तो आपको बाहर एक धुंध सी दिखती है, लेकिन हम यह समझ नहीं पाते हैं कि यह ठंड से होने वाली धुंध है या फिर कुछ और। हालांकि स्मोक और फॉग देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन यह बनते अलग तरीके से है। फॉग फेफड़ों में कैंसर से जुड़े जहरीले तत्वों को डालता है, जो कि ऐसे तत्व हैं जो अगर आपकी बॉडी में एक बार चले गए तो उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फॉग यानी कोहरा तब बनता है जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी होकर हवा में जम जाते हैं और पानी की बूंदें हवा में तैरती हैं। यह एक सफेद चादर की तरह पूरी हवा को ढक देती है। स्मोक में जहरीली गैस की मौजूदगी स्मोक फॉग और स्मोक यानी कोहरे और धुएं का कॉम्बिनेशन होता है। स्मोक बनाने वाले ज्यादातर कंपाउंड फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फसलों और पराली को जलाने से और ऐसे कई पावर पॉइंट से आते हैं जहां से खतरनाक गैसें नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं और रिलीज की जाती हैं। तेज हवा चलने या बारिश के बाद ही स्मोक का असर खत्म होता है। इस जानलेवा स्मोक से आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में रुकावट और भी कई सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। फॉग से अलग स्मोक से बदबू आती है, जिससे आप इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। जहां फॉग सफेद रंग का होता है, वहीं वैसी हवा जिसका रंग ग्रे होता है, उसे वैज्ञानिकों ने स्मोक का नाम दिया है।